जान से मारने की धमकी, और सरकार चुप है। नहीं, सरकार चुप नहीं राजीव जी, सरकार जैसा सुप्रिया सिंगलेस कह रही है वो चुप नहीं है, वहीं से हो रहा है ये उसके, ये जो पूरा पूरा ये तीन लोगों के बयान है ये एकदम योजनाबद्ध तरीके से है। सरकार हरकत में अगर होती, सरकार खामोश नहीं होती तो इन पर कार्रवाई होती, लेकिन राजीव जी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यही इसका प्रमाण है कि इसके पीछे तार मिले हुए हैं। और क्यों है उस, ये नया प्रोजेक्ट है वो क्यों, इसका इसका रीजन मैं बताता हूँ। लेकिन उसके पहले देखिए, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये लगातार लोग क्यों बोल रहे हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, राहुल गांधी का कास्ट सेंसस और 50% सीलिंग हटाने की बात, और दूसरा है राहुल गांधी के तमाम इंगेजमेंट, कभी किसानों के साथ, कभी टैक्सी वाले के साथ, कभी भारत जो यात्रा जैसी कुछ चीज, बहुत सारे इंगेजमेंट आप भी दिखाते लगातार ये है। इन तीनों चीजों से गुजराती कंपनी परेशान है। नरेंद्र मोदी, पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी इन तीनों चीजों से परेशान है, इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना चाहते हैं। कास्ट सेंसस वो कराना नहीं चाहते, 50% सीलिंग से ऊपर वो देना नहीं चाहते, साथ में वो ये भी नहीं चाहते कि ये नैरेटिव आगे बढ़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि धीमे धीमे इसका असर हो रहा है, और वो असर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि राजकुमार सैनी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया कांग्रेस के पक्ष में, तो तमाम इस तरीके के प्रमाण है। या मान लीजिए कि कंबोज जो ओबीसी मोर्चा के हरियाणा में अध्यक्ष है बीजेपी के, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए, वो ऐसे ही नहीं आ गए, उनको ग्राउंड से दिखाई दे रहा है कि इस वक्त कांग्रेस में जाना मुनासिब है अगर ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी है। ये तीन बड़े कारण है जिसकी वजह से ये नया राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत साफ है, दो मकसद हैं इसके। इस तरीके के बयान दिलवाकर एक लिंच मॉब तैयार किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ, कि राहुल गांधी जब पब्लिक में निकले तो कोई ना कोई राहुल गांधी के ऊपर हमला हो जाए, कोई ना कोई इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर, कोई व्यक्ति जो इन सब बातों से प्रभावित हो जाए, भावना में आकर कुछ कर दे। एक तो ये मकसद है, वही बिल्कुल जैसा महात्मा गांधी की हत्या के पहले जो शकील जी बता रहे थे वो, और दूसरा मकसद ये है कि इस तरीके के बयान दिलवाकर, और अगर कोई छोटी मोटी वारदात हो जाती इन बयानों की वजह से, तब राहुल गांधी की सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाएगा, और सिक्योरिटी को रिव्यू करके राहुल गांधी के वो सारे इंगेजमेंट पे सरकार का अंकुश हो जाएगा कि नहीं इससे नहीं मिलेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो राहुल गांधी का पब्लिक इंगेजमेंट इनको कम करना है। और राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस का नरेशन है, जो 50% सीलिंग का नैरेटिव है, उससे परेशान है, राहुल गांधी को खामोश करना चाहते हैं बिना वादा पूरा किए। ये सीधा सीधा सा मतलब है इनमें, कहीं की पुलिस, और आप देख लीजिएगा कि ये इस तरीके की धमकियां सिर्फ उन्हीं राज्यों से आएंगी जहां बीजेपी की सरकार है, जहां इनकी पुलिस है। लेकिन प्रशांत जी एक सवाल यहां है कि ठीक है, अपने लोगों से ऐसे बयान दिलवा कर आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर एक पहरेदारी करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि राहुल गांधी जो जब चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, कभी रामचैत के पास रुक जाते हैं तो कभी एक नाई की दुकान पे चले जाते हैं सैलून में, तो कभी किसी और के पास चले जाते हैं, ये सब पर पाबंदी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ आप अलग अलग
प्लेटफॉर्म के जरिए जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो एक नफरत उनके खिलाफ आप जहर बो रहे हैं, वो तो धीरे धीरे देश में फैल रहा है ना। तीन आदमी बयान देते हैं और ये तीनों जो हैं ये उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं, और इनके फॉलोअर्स भी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के फॉलोअर्स हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ एक कह रहा है कि 11 लाख रुपए देंगे, ये उनकी जीभ काट के ले आओ। एक कहता है इधर कि ये इसको आतंकी नंबर एक घोषित कर दो। एक कहता है इंदिरा गांधी के यानी दादी का जो हश्र किया वही इसका भी हश्र करूंगा। तो ये तो नफरत फैला रहे हैं ना आप, और जब आप नफरत का जहर बो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसे नफरती तत्व तो उगेंगे, पैदा होंगे। जैसा महात्मा गांधी के बारे में अभी पढ़ करके शकील अख्तर जी बता रहे थे, चिट्ठी इनकी सरदार पटेल की। चौथा किरदार है नफरती मीडिया हिंदू मुसलमान वाला, ये भी राहुल गांधी के खिलाफ दिन रात जहर उगलता है। आप देखिए कि एक पत्रकार जिसने अमेरिका में ये कहा कि सैम पिट्रोडा से सवाल पूछा तो उसके साथ मारपीट हो गई, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, डेटा और उसका उड़ा दिया गया। वो पत्रकार महोदय लगातार ट्वीट के साथ, 7 सितंबर की घटना ही है, उसके बाद राहुल गांधी के लगातार इवेंट को वो कवर कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अपना हादसा उन्होंने ट्वीट नहीं किया। हादसे के 6 दिन बाद वो स्टोरी करते हैं और ये हिंदू मुसलमान वाला मीडिया उसको उठाता है। तो सवाल ये है कि ये मीडिया भी यही काम कर रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत समाज में घोलने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल ऊपर से आया हुआ तयशुदा प्रोजेक्ट है कि समाज में राहुल गांधी के खिलाफ नफरत पैदा करो ताकि कोई ना कोई सिरफिरा, कोई ना कोई भावना में बहकर कोई व्यक्ति कोई औनी पौनी हरकत कर डाले। ये लिंच मॉब को प्रोवोक कर रहे हैं। और दूसरा उसका उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी की अगर ऐसा कुछ हो जाता है, 2-4 लोगों के बयान और दिलवाए जाते हैं, समाज में उथल पुथल मचेगी, राहुल गांधी के लिए धमकियां आएंगी, तब उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू होगा और सिक्योरिटी का रिव्यू करके उनको उनके जो पब्लिक इंगेजमेंट है उसमें रोक टोक लगाएंगे। इन तीन चीजों से नरेंद्र मोदी बहुत डरे हुए हैं, 50% रिजर्वेशन की सीलिंग हटाने के मामले से, जातिवाद जनगणना के मामले से और राहुल गांधी के इंगेजमेंट के तरीके से। इन तीन चीजों का नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब ढूंढने के लिए नया प्रोजेक्ट लाया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको अपनी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये एक आपके सामने बिल्कुल तयशुदा प्रोजेक्ट आ रहा है और ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है। ये केवल पिछले प्रोजेक्ट की तरह नहीं है कि वो बदनाम कर दिया, कोई नाम दे दिया। ये प्रोजेक्ट तो राहुल गांधी की जान माल और उनके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है जी। तो ये बहुत डेंजरस है और इसमें कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को इसमें सामने आना चाहिए, क्योंकि आज अगर राहुल गांधी के साथ हो रहा है तो कल को कोई भी इस रास्ते पर चलेगा उसके खिलाफ होगा। तो ये बहुत अपराध